रेल यात्री सुविधाओं के मामले में कोरबा की उपेक्षा किए जाने के आरोप रेलवे पर काफी समय से लगते आ रहे हैं। ऐसे विषय को लेकर कई संगठन आंदोलन भी करते आ रहे हैं। इन सब के बीच सांसद ज्योत्सना महंत ने कोरबा रेलवे स्टेशन का दौरा करने के साथ समस्याओं को जाना और अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। कुछ दिनों पहले ही कोरबा से बीकानेर के लिए सीधी एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने के संदर्भ में रेल मंत्री और जोन स्तर के अधिकारियों से पत्राचार करने के बाद स्थानीय सांसद ज्योत्सना महंत ने स्टेशन का जायजा लिया। सांसद के प्रतिनिधि हरीश परसाई के अलावा अन्य कार्यकर्ता और नागरिक यहां पर मौजूद रहे। स्टेशन क्षेत्र का भ्रमण करने के साथ यहां की सुविधाओं और समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए बनाई गई सेकेंड एंट्री को बंद करने के बारे में सांसद ने पूछताछ की। अधिकारी के द्वारा जानकारी दिए जाने पर सांसद ने कहा कि व्यवस्था को ठीक करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। हाँ, वो भी बंद है, वो भी मैंने देखा अभी। वो क्यों बंद है, किस लिए बंद किया गया है, ये स्टेशन मास्टर ही बता पाएंगे। इधर चालू है मैडम, गेट चालू है। हाँ, लेकिन इतनी डस्ट है। अच्छा, उस कारण आपने बंद कर रखा है। पैसेंजर वहाँ पर कोई टिकट लेने आते हैं। अच्छा, वो तो यहाँ सबसे बड़ी, हाँ, पानी छिड़काव की है या फिर वहाँ जो चलती हैं उनको बाईपास करने का, ये तो भी चल ही रहा है और हमारी सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। हम लोग बातचीत करेंगे कि इसको बंद करने का क्या, कैसे करेंगे। सांसद ने इस बात पर हैरानी जताई कि गेवरा रोड स्टेशन से यात्री गाड़ियों को आखिर क्यों बंद किया गया है और क्या अधिकारियों की मंशा स्टेशन को ही बंद करने की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी और हम लोगों को रेल सुविधा दिलवाने के लिए जरूरी प्रयत्न करेंगे। एक मेन मुद्दा यह है कि गेवरा स्टेशन में गाड़ियां बंद हैं पिछले 8-1 महीने से शायद, और 1963 से ये बना हुआ है और ऊर्जाधानी कोरबा में लोगों का, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते जाते हैं, हर स्टेट के लोग हैं और खासकर गेवरा वालों को कितनी परेशानी हो रही होगी कि वहाँ से ट्रेन नहीं आ रही है, ये सब उनको कोरबा आना पड़ता है। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार, क्या उसको बंद करना चाहती है? यदि बंद करना चाहती है तो मैं इसका विरोध करूँगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई स्टेशन बंद हो। मैं तो और स्टेशन अच्छे से आबाद हो इसके लिए लगी हुई हूँ, लेकिन ये बंद होने की कगार पर ऐसा लग रहा है और उसका तो अस्तित्व खतरे में लग रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ से पूर्वतः गाड़ियाँ चलें। कोरबा से चलने वाली गाड़ियों के समय सारणी बेहतर करने और लोगों को राहत देने की बात सांसद ने कही। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को आगे भेजे जाने में अधिकारी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। यहाँ की जो मुसीबतें हैं और परेशानियां हैं, तो यहाँ पर तो काफ़ी कुछ सुनने को मिला है। एक तो लेट लतीफ़ी सबसे बड़ी बात है, गाड़ियाँ कैंसिल होती हैं। यहाँ लगभग लदान की गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं लेकिन पैसेंजर्स ट्रेन्स को लेट किया जाता है और शुरू से ही लेट होती हैं। सांसद के स्टेशन निरीक्षण के दौरान स्थानीय अधिकारियों ने यहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इन सब के बावजूद यहां पर जितनी समस्याएं मौजूद हैं वे सांसद की जानकारी में बहुत पहले से ही हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।